हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट तरुण छाबड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो है अनोइंग नेबर्स, जिनसे हर कोई परेशान है। अगर आपके नेबर्स रात को पार्टीज करते हैं या पूरे पूरे दिन म्यूज़िक बजाते हैं और आप उस म्यूज़िक के साउंड से परेशान हो चुके हो क्योंकि वो म्यूज़िक का साउंड आपके घर के अंदर आ रहा है जिससे आप और आपकी फैमिली परेशान हो चुकी हो, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आप इन पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए एंड आई एम श्योर कि आप इस इशू से छुटकारा पा लेंगे। पहला पॉइंट, अपने नेबर से पोलाइटली बात कीजिए, उनको बताइए क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पे आपको चिल्लाना नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना कि वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे, तो इसलिए आराम से उनको एक बार बताएं। दूसरा, अगर आपके एरिया की RWA यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है तो वहाँ पे अपने नेबर के खिलाफ कंप्लेंट करें। तीसरा, आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है कि पुलिस नहीं करने वाली काम श्योर हो या फिर पुलिस अगर आती है और अपना काम ठीक से नहीं करती है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इशू 30 मिनट्स में रिजॉल्व होगा। आप ngms.delhi.gov.in पर कंप्लेंट करें। यह ऑनलाइन कंप्लेंट है, इसका एक SMS साथ ही एक ईमेल आएगा आपको। वही SMS SDM और ACP को जाएगा आपके एरिया को और वो पुलिस ऑफिसर्स को भेजेंगे जिनको 30 मिनट्स के अंदर यह इशू रिजॉल्व करना होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस आए और सामने वाली अपोजिट पार्टी जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हो उसको सामने लाए, तब आपको समझौता बिल्कुल नहीं करना है। यह पुलिस के एक टैक्टिक्स है। अगर आपने समझौता कर लिया तो 101% दोबारा गाने बजेंगे, इसलिए समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको साफ साफ बोलना है कि मैं परेशान हूँ इससे, मुझे यहाँ पे साउंड चाहिए ही नहीं। उनको अलाउ नहीं करना कि समझौता हो चुका है, ठीक है। अगर समझौता आपने कर लिया तो आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट को वहाँ पे लिख देंगे, साइन करवा करके उस कंप्लेंट को आपसे समझौता पत्र पूरा बनवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, साइन करवाया जाएगा कि हमारे बीच में समझौता हो गया है, और उसी को लेकर के पुलिस आपकी कंप्लेंट को कैंसिल कर देगी कि आपने खुद ही विड्रॉ कर लिया है, तो समझौता बिल्कुल भी नहीं करना। चौथा पॉइंट ये है कि आप 268 IPC की क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, जो अनोइंग नेबर्स के लिए होती है जो बहुत परेशान कर रहे हैं या तो पब्लिक को या फिर जनरल पर्सन को, या तो आप सिविल सूट डाल सकते हैं। सिविल सूट के साथ ध्यान रहे कि आप एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि सिविल सूट बहुत लंबा चलता है और आपको उस दौरान रिलीफ भी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और ये सारे पॉइंट्स आपके इशू को जल्दी रिजॉल्व करें। फॉर मोर क्वेरीज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।